कि परेशानी क्या है, जब खुद एक विचार, जिस विचार को, जिस कट्टरपंथी विचार को लेकर चल रही है उसकी वजह से उनका साथ लोग छोड़ रहे हैं, तो फिर वहाँ लटके हुए क्यों हैं? और अपने गिरेबान में देखें, झांकें कि वो क्या कर रहे थे, जब एक बार छोड़े, एक बार फिर पकड़े, फिर एक बार छोड़े, उनका चरित्र क्या है भाई? यही तो चरित्र है। प्रजातंत्र में इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो सिर्फ सत्ता लोलुप प्रवृत्ति का हिस्सा हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मर जाना पसंद कबूल है लेकिन बीजेपी में जाना कबूल नहीं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों के बाद जो सियासत थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर थी। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार में जो राजद कोटे से मंत्री हैं आलोक मेहता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिर बीजेपी के लोग इतना बेचैन क्यों है, वो लोग दूसरे का चरित्र क्यों देख रहे हैं, पहले अपने अंदर झांके, अपना चरित्र देखें कि वो लोग कितने बार इधर से उधर किए हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे आलोक मेहता, आप देखिए इस वीडियो में। शहर खा लेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर तो गए। नहीं, भाजपा क्यों परेशान है इन बातों से? भाजपा परेशान की परेशानी क्या है, जब खुद एक विचार, जिस विचार को, जिस कट्टरपंथी विचार को लेकर चल रही है उसकी वजह से उनका साथ लोग छोड़ रहे हैं, तो फिर वहाँ लटके हुए क्यों हैं? क्यों उस बात पर बार बार चर्चा करते हैं? और अपने गिरेबान में देखें, झांकें कि वो क्या कर रहे थे, जब एक बार छोड़े, एक बार फिर पकड़े, फिर एक बार छोड़े, उनका चरित्र क्या है भाई? अब किसके चरित्र पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनका चरित्र क्या है? अब फिर लेने के लिए तैयार हैं, किसी तरह तोड़ने के लिए तैयार हैं, यही तो चरित्र है। प्रजातंत्र में इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ सत्ता लोलुप प्रवृत्ति का हिस्सा हो सकती है और कुछ नहीं। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि वोट ट्रांसफर करवाने में जीरो हो गए हैं, कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अरे कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, मैंने देखा नहीं है। इसकी ताकत आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, इस महागठबंधन की ताकत को। बोलने वाले को बोलने दीजिए। तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार में राजद कोटे से मंत्री आलोक मेहता, उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिर बीजेपी के लोग इतना बेचैन क्यों है, दूसरे का वो लोग चरित्र देख रहे हैं, पहले अपने अंदर झांक कर देखें कि वो लोग कितने बार इधर से उधर गए। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि फिर से वो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा गया था कि उनकी जो वोट ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है, उसको लेकर भी आलोक मेहता ने कहा कि आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि वोट ट्रांसफ़र करने की जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैपेसिटी है या ख़त्म हो गई है, वो लोग इतना बेचैन क्यों है, आने वाले चुनाव में सब कुछ साफ हो जाएगा कि वोट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी किस में है और किस में नहीं। और भी क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार में राजद कोटे से जो मंत्री आलोक मेहता, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।